आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। वार्ड नंबर 19 में डस्टबिन वितरण किया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि धनबाद नगर निगम और वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी सासरमा से भी समीम अख्तर के नेतृत्व में यह प्रोग्राम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तकरीबन 300 घरों में डस्टबिन बांटा गया है, आप देख सकते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए समीम अख्तर ने क्या कहा, देखिए नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम और आपके कार्यालय में क्या हो रहा सर? आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, यह डस्टबिन बांटने का प्रोग्राम चल रहा है नगर निगम द्वारा जी, और ये इसको हम लोग अपने तरह से मैनेज करके यहाँ लाया बंटवा रहे हैं जी, और कर्मचारी लोग भी सब आए हुए हैं। तैयारी सुबह 7 बजे से ही चल रही है रमजान को देखते हुए जी, इसलिए सुबह लगा दिया गया कि जिस वक्त लोगों को वक्त मिले, मौका मिले, आके अपना ले ले। कितना बांटने का ये है सर आप लोग टारगेट? यह टारगेट है हम लोग का 500 बांटने का। कितना बढ़ गया सर इसमें? अब तक हमको लगता है 200 से ज्यादा बढ़ चुका है जी, और उम्मीद है कि शाम तक 500 पूरा कर लेना है। अगर नहीं हो किसी वजह तो कल भी प्रोग्राम चलेगा। डस्टबिन बांटने का क्या फायदा है सर, बताए सर? डस्टबिन बांटने का बहुत बड़ा फायदा है जी सर, ये सफाई अभियान से बड़ा चीज है जी। लोग इस अपने डस्टबिन में ही अपने घर का सब कचरा रखेंगे, और सुबह सुबह गाड़ी आती है कचरा ले जाने के लिए, उसे डस्टबिन से कचरे को ले जाकर उस गाड़ी में डाल देना है। बहुत सफाई में बहुत हेल्प मिलता है इससे जी सर। सर ये मुहिम कब तक चलेगी सर? ये मुहिम चलता रहेगा जब तक ये इस तरह का घर घर हम डब्बों में पहुँचा ले। आपके माध्यम से हो रहा है सर जी? हमारे माध्यम से हो रहा है और नगर निगम के द्वारा ही बांटा जा रहा है। सर डस्टबिन लेने के लिए क्या क्या करना होगा सर? डस्टबिन लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मोबाइल लेके आना होगा आपको, और मोबाइल में OTP आएगा, OTP नंबर बता देना है और आपको डस्टबिन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शमीम अख्तर, मैं कलाली बगान का रहने वाला हूँ। ठीक है।